स्टूडेंट, आज क्लास एट के लिए एक चैप्टर है नन्हे पौधे। नन्हे पौधे एक एकांकी है और इस एकांकी में मिल्टन ने एक उक्ति लिखा है कि प्रकृति को बुरा भला न कहो, प्रकृति को बुरा भला न कहो, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया और तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति ने जो किया वह मानव के उपकार के लिए किया और मानव ने जो किया या करेगा वह अपने उपकार के लिए करेगा। दोनों का कर्तव्य जो है यहाँ अंतर स्पष्ट होता है कि प्रकृति मानव के लिए तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब मानव का कर्तव्य है कि प्रकृति को बनाए रखना। तो इस एकांकी में मुख्य पात्र जो हैं उनका नाम इस प्रकार है। मुख्य पात्र में एक स्त्री और एक पुरुष, उनके दो बच्चे मुन्ना और मुन्नी, चार अन्य लड़के अहमद, गोखले, सुब्बारा व चौधरी। अब देखिए कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक छोटे बच्चे में किस तरह की जवाबदेही है। अब यहाँ एक दिन एक बच्चा, वह स्त्री जब बाहर आती है तो एक किनारे पर नन्हा सा पौधा उगा देखकर रुक जाती है, गुस्से से उसे देखती है, फिर उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहती है पर संभव नहीं होता। वह पुकारती है, स्त्री कहती है, अरे सुनते हो जी, यहाँ किसने क्या कर दिया? हमारी जमीन का सत्यानाश, देखो किसने यह बदमाशी किया। अब वह पुरुष भीतर से आते हैं और स्त्री, देखो यहाँ पेड़ लगा दिया किसी ने। पुरुष, अरे बच्चों ने खेल किया होगा, इतना नन्हा सा पौधा है। स्त्री, नहीं नहीं, उखाड़ कर फेंक दो, ख्वाम का बखेरा करेंगे लोग। पुरुष, अपने बच्चे भी तो नहीं खेलते हैं। स्त्री, सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं हमारे बच्चों के, एक इतल दुतल, दूसरे आमी जामी, उखाड़ कर फेंक दो ना। अब वह पुरुष पौधे को उखाड़ने का कोशिश करता है। पुरुष, अरे यह तो उखड़ता ही नहीं, यह है क्या चीज? स्त्री, यह तो कहती थी, यही तो कहती थी, उन्हीं लड़कों की करामत है, यानी बस पौधे को उखाड़ फेंकने की उनमें अटूट गुस्सा है और वह गुस्सा लड़कों पर जाती है कि इस लड़के के गुस्ताखी से यह पौधा यहाँ लगा है जो आगे चलकर हमें मुश्किल में डालेगा। पुरुष, ना जाने कैसा पौधा है, स्त्री अपनी तरफ का नहीं है, यह अपनी तरफ का नहीं है। पुरुष, आओ हम दोनों मिलकर उखाड़ें। दोनों उखाड़ने का प्रयत्न में गिर पड़ते हैं। भीतर से मुन्ना और मुन्नी हंसने लगती है। स्त्री, यह क्या तमाशा है? पुरुष, यह कैसा पौधा है? स्त्री, किसने लगाया है? पुरुष बोलते हैं, क्यों? इस एकांकी में यह दर्शाया गया है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या ख्याल है। मुन्ना, हमने लगाया है पिताजी। स्त्री, हमने मतलब क्या? मुन्नी, अहमद, गोखले, सुब्बारा, चौधरी और हमने, यानी सारे बच्चों ने मिलकर इस पौधे को लगाया है। पुरुष, तुम्हें पता है यह हमारी जमीन है और इसके मालिक हम हैं। अहमद, गोखले, सुब्बाराव, चौधरी के यहाँ बाप किसी
दिन कह सकते हैं कि यह पेड़ हमारा है, इसलिए यह जमीन उनकी है। देखिए, इस एकांकी के माध्यम से उस स्त्री के मन में यह बात घर कर गई कि अगर ये लोग दोस्त से मिलकर यहाँ पौधा लगाए हैं तो हो न हो पौधे जब बड़े होंगे तो उन पौधों पर उस बच्चे का अधिकार होगा। कल दिन वो कह सकते हैं कि यह पौधा हमारा है तो यह जमीन भी हमारी है। मुन्ना, नहीं नहीं, हमने खेल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुन्नी, कल हम सब ने एक पेड़ का खेल खेला था। पेड़ पेड़ भाई भाई, पेड़ पेड़ भाई भाई, मुन्ना पेड़ पर बैठा तोता भाई। अब वह बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुन्ना और मुन्नी दोनों भाई बहन हैं, उनको पड़ोस के बच्चों से बहुत अधिक लगाव है। वो शाम होते ही सारे बच्चों के साथ खेलने की इच्छा जाहिर करते हैं और खेल खेल में पौधे लगा लेते हैं। और बच्चे कल्पना करते हैं कि जब पेड़ पौधे बड़े होंगे तो यहाँ तोता आकर बैठेगा। तोता भाई, आम गिराओ, हम हैं तुम्हें खाई, हम और तुम्हें खाई, दोनों झूठ मूठ के, दुल्हन लाओ पेड़ तेरे बैठाई। दोनों प्रसन्नता से गाते हुए दौड़ने लगे। माता पिताजी उन्हें चुप करके ने पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। पुरुष, ठीक है, जाने दो, बच्चों ने खेल किया। याद है तुम्हें, सुब्बाराव ने एक दिन यहाँ समुद्र बनाया और उसके तट पर वह मंदिर जिसका नाम रखा था मीनाक्षी टेम्पल। अब पुरुष इस बातों को समझते हैं कि बच्चे की मनोभावना को तोड़ना नहीं चाहिए। वो स्त्री से कहते हैं, समझाते हुए कि अरे क्या होगा, तुमने देखा नहीं कि एक दिन सुब्बाराव यहाँ समुद्र बना के खेला था और वहाँ एक पास मंदिर बनाया जिसका नाम मीनाक्षी टेम्पल रखा। स्त्री, बस बस रहने दो अपने, गोखले ने यहाँ गणेश की तस्वीर खींची थी, उसी दिन से मुझे बुरा लगा था। कौन मुंह लगने जाए इन गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन और बंगालियों से। पुरुष, अच्छा बस, माली से कहकर इसे खत्म करा देंगे। स्त्री, अरे यह तो बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि कभी कभी स्त्री अपने जिद में बहुत अड़ जाती है और वह अपने जिद को पूरा करने के लिए अपनी हार स्वीकार करना नहीं चाहती है। जैसा कि इस एकांकी में स्त्री ने अपने पुरुष से हार मानने की कोशिश नहीं कर रही है, लाख समझाने के बाद भी वह अपने जिद पर अड़ी है कि मैं पौधे को उखाड़ कर ही रहूंगी। पुरुष, अरे सचमुच बढ़ रहा है, यह किसका पौधा है। मुन्ना, ओ मुन्नी। स्त्री, पता नहीं कहाँ गए दोनों बच्चे। पुरुष, ओ रहा बंगाली छोकरा, सबसे ज्यादा बदमाश। अरे चौधरी, ओ मोनी चौधरी, अब यहाँ। चौधरी, नमस्कार। पुरुष, क्या नमस्कार, यहाँ यह पौधा किसने लगाया। चौधरी, हमने ही लगाया है, हम सब गाछ खेल रहे थे, यह जमीन के भीतर से अपने आप निकल आया। स्त्री, यह संभालो और खेलने तो दो, दुनिया के सारे उल जलूल लड़कों को अपने आते में। पुरुष, क्यों रे, जमीन के भीतर से अपने आप निकल आया। स्त्री, झूठ बोलता है। चौधरी, अरे पौधा जमीन के भीतर से नहीं निकला। क्या, हाँ निकलता तो है, यह तुम लोगों ने अपने हाथों से लगाया है। चौधरी, इस पौधे के बारे में हम सब ने मिलकर एक स्वप्न देखा था। अब देखिए बात एकांकी में यहाँ आती है कि वह दोनों स्त्री पुरुष जो हैं वह अपने बच्चे को आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने देने के इच्छुक नहीं हैं। उन्हें लगता है कि आस पास के जो लड़के हैं उसके संगति में रहकर मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, उसमें गलत आदत प्रवेश कर जाएगी, इसलिए वह पौधे का बहाना बनाकर अपने बच्चों को
आसपास के लड़कों से दूर रखना चाहते हैं। रूस के समझाने पर भी वह अपनी जिद पे अड़ी रहती है। चौधरी, नहीं नहीं, हम सब यहाँ खेल खेलते हैं। स्त्री, खबरदार, अब यहाँ कोई खेल नहीं होगा। लाओ फावड़ा और इसे खोदकर फेंक दो। चौधरी, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। पुरुष भागता है कि पुरुष दौड़ता है तो चौधरी भाग जाता है। पुरुष, रुको, मैं एक रस्सी लाता हूँ, उससे बांधकर हम दोनों को खींचकर उखाड़ देंगे। पुरुष रस्सी लाता है, पौधे में बांधता है। स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी खींचते हैं और सारे बच्चे, अहमद, गोखले, सुब्बाड़ा, मुन्ना और मुन्नी, चौधरी मंच के किनारे से दौड़ते हुए आते हैं। पुरुष, पकड़ लो। दोनों बच्चे को पकड़ना चाहते हैं। मंच पर दौड़ते हुए चारों ओर सुब्बाराव, यह पौधा हमारा है। इस एकांकी के इस यहाँ तक यह समझ गए होंगे कि बच्चे को उस पौधे से कितनी लालसा थी, क्योंकि उसने मेहनत से उसे लगाया था। और वो जो स्त्री पुरुष थे, उनके मन में बच्चे के प्रति क्या भावना थी, वह स्पष्ट रूप में आप समझ गए। अगले एकांकी में इस बातों को रखी जाएगी। धन्यवाद।